नमस्कार। Honorable members, we have set a good example. One second. मैं आपका आभारी हूं। One second. Have I called your name? तो बैठिए। We have set a good example that Ashok Rao, Shankar Rao Chauhan, one second, was heard with rapt attention. Shri Pramod Tiwari and all other speakers are required to be heard with rapt attention. It is not a place where we sit on armchair and shout. Shri Pramod Tiwari. बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं आभारी हूं अपने नेतृत्व का जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा पे शामिल होने का मौका दिया। माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण कई बार मैंने देख डाला, ऐसा लग रहा है। देखा या पढ़ा? देखा या पढ़ा? देख के पढ़ा सर। अच्छा ठीक। ऐसे नहीं पढ़ लिया, देख के पढ़ा सर। राष्ट्रपति जी के पूरे अभिभाषण में एक थका हुआ, हारा हुआ, पहले से कम हुआ, एक निराश सरकार का आईना लग रहा था मुझे, जो अभी हार से उबर नहीं पाई। फिर भी आप मेरी बात पर गौर कीजिए। नहीं नहीं जी, नहीं नहीं, I will not withstand anyone disturbing any speaker. Please bear with me. Continue. Sir, please. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पिछले 40 साल की कमर तोड़ महंगाई का कोई इसमें समाधान निकालने की कंक्रीट योजना नहीं दिखाई पड़ी मुझे। Can you keep quiet? 40 साल इनके समझ में नहीं आ रहा। 40 साल की बिगेस्ट महंगाई, 40 साल में ऐसी कभी नहीं महंगाई हुई है। आपका तो 10 ही साल है। I will not tolerate. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अब जीत हार की बात हो तो इसी सदन में आखिरी दिन नारा लगा था, अब की बार 400 पार, रह गए 240 पे, बहुमत के लिए चाहिए 272। अब बैसाखी के सहारे या अपने सहयोगी दलों के सहारे सरकार बनाई जाए और आप खुश हैं तो कोई बात नहीं, पर 400 का क्या हुआ इसका जवाब मैं चाहूँगा, और क्यों हुआ इस पर आप विचार करिए। मैं इतना जरूर करना चाहता हूँ कि ये बैसाखी पे चलने वाली सरकार है और इनकी भविष्यवाणी गलत हुई। उसी तरह मानवर 38 ईयर्स की सबसे बड़ी बेरोजगारी आज देश झेल रहा है और उसका कोई भी इसमें समाधान निकालने का मुझे कोई योजना नहीं दिखाई पड़ी, अगर हो तो बता देंगे। मान्यवर अगर हृदय होगा, जिन लोगों ने देखा होगा एक महिला के साथ बलात्कार सड़क पर, उसके बेटे को उसी के सामने गोली मार देने का, तो मैं जिक्र मणिपुर का कर रहा हूँ। मणिपुर के बारे में पूरी खामोशी है, कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि एक संवेदनशील राज्य जो सीमा पर है उसके बारे में कोई। मान्यवर, हैव यू नॉट अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड? धन्यवाद। आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस साइड और दैट साइड इंटरप्टिंग एनी स्पीकर, एंड प्लीज हैव इट फ्रॉम मी बोथ साइड्स। If anyone would create some kind of a disturbance or disruption, he'll be forcing my hands. You don't have to make your presence when someone else is speaking from this side or that side. Bear this in mind. Please continue. धन्यवाद। मानवर इसमें इसका भी जिक्र नहीं है। बहुत दृढ़ता से कहता हूँ और मजबूती से कहता हूँ कि शर्मनाक अध्याय है, हमारे 21 सैनिकों को शहीद कर दिया गया लद्दाख में, उसको हम कैसे वापस लेंगे उसका कोई तस्करा, कोई जिक्र इस अभिभाषण में नहीं।
मान्यवर, अपनी बात कहने के लिए मैं चाहता हूं कि कुछ याद दिला दूं बीती हुई बातें, जो वायदे थे अब उनको तो मैं कहूंगा कि झूठ हैं, ना लगे अच्छा तो विश्वासघात मान लीजिएगा, और वो भी ना अच्छा लगे आपको तो धोखा मान लीजिएगा, जो भारत की जनता के साथ इस सरकार ने किया। मान्यवर, मान्यवर, हैव योर टर्न सर। सर, आई एम हियर टू टेक नोट ऑफ इट। देयर लीडर विल स्पीक सम आफ्टर सम टाइम, योर लीडर विल स्पीक। डू यू वांट दिस क्योस? व्हाई डोंट यू गेट द मैसेज लाउड एंड क्लियर? प्लीज, बोथ साइड्स हैव टू हेल्प मी। आई विल टेक वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू आइदर साइड। सर, मोदी जी के अगेन, लुक एट जयराम रमेश, इनकोरिजिबल, समथिंग रॉन्ग विद यू। इनकोरिजिबल सर, देयर इज अ प्रॉब्लम विद यू। इट्स अ क्रोनिक एलिमेंट फॉर विच डायग्नोसिस इज नीडेड। मान्यवर, पिछले 10 साल में मोदी सरकार में जो वायदे थे, जो किए थे जनता से, उनको तो याद कर लें, और बिना उनको याद किए मैं अपनी बात कह नहीं पाऊंगा। पहला वायदा था इस देश की जनता के साथ कि जितना काला धन सरकारों में पिछली विदेशों में जमा है मैं उसे ले आऊंगा, और 15-15 लाख रुपए सबको दूंगा। ये पहला वादा था इनका। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मुझे तो नहीं मिला, इधर बैठे लोगों को नहीं मिला है, अब उनको मिल गया हो तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये एक वायदा था जो जनता के साथ कहा गया था और विश्वासघात हुआ, पूरा नहीं हुआ। विश्वासघात शब्द पूरी तरह पार्लियामेंट्री है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक स्पेशल AI SIT बनी थी, पर कोई जिक्र नहीं है इस अभिभाषण में उस SIT की रिपोर्ट क्या है, आज तक नहीं बताया गया। मानवर, दूसरा इनका सबसे बड़ा वायदा था, धोखा था जनता के साथ, खासतौर से बेरोजगार नौजवानों के साथ, कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। मानवर, सच्चाई ये है कि पिछले 7 सालों में मैन्युफैक्चरिंग में 54 लाख नौकरियां कम हुई हैं, 10 सालों में 2.5 करोड़ SMSME बंद हुए हैं, जो सूक्ष्म लघु उद्योग थे। मान्यवर, तीसरा इनका वायदा था, पेट्रोल डीजल की कीमत कम करूंगा, ये भी जनता को छला गया, विश्वासघात किया गया। सच्चाई तो यह है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ा है, और दुनिया के बाजार में कच्चे तेल का दाम कम हुआ, उसके बाद भी ये बढ़ाते चले गए। अब मजबूरी थी, कुछ अपने दोस्तों यारों का सबका है। ऑब्जेक्शनेबल, नो प्रमोद जी, जो आप कह रहे हैं आप खुद चिंतन कीजिए कितना गलत कह रहे हैं। ना दोस्तों, दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। If you have proof, if you have fact, the senior leadership is here. I think you should replace. One second, Jairam Ramesh, you are so intelligent, so gifted, so talented. You should immediately come and take seat in place of Mr. Khadge, because by and large you are doing his job. सर, मेरा टाइम का ध्यान रखिएगा, मेरे टाइम का। खड़गे जी, आप सोचिए, खड़गे जी, खड़गे जी, डोंट ब्रिंग दैट वर्णा सर। क्या स्टिल इन योर माइंड दैट वर्णा सिस्टम इज देयर? दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग रमेश इज अ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी दैट, एंड आई एम डल, सो दैट नो। वन सेकेंड, बैठिए खड़गे जी, खड़गे जी, बैठिए, बैठिए, एक बार बैठिए खड़गे जी, खड़गे जी, मैं एक सेकंड प्लीज। नहीं नहीं, सुनिए, एक बात सुनिए खड़गे जी, आप मेरी बात को नहीं समझ पाए। जितना मैं आपका आदर करता हूं, उसका एक अंश भी आप मेरे लिए करेंगे दिल को टटोल कर, तो आपको महसूस होगा। मैंने कहा क्या है? मैंने ये कहा है
कि जब सुन तो नहीं रहे आप, जब प्रथम पंक्ति के अंदर आप जैसा व्यक्तित्व है, 56 साल का अनुभव है, उनको भी हर कदम के ऊपर जयराम रमेश टिक्का टिप्पणी करके मदद करना चाहते हैं। अभी देखिए एक प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करना है। आपको मैंने बहुत अनुरोध किया है, देखिए मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बनाया। खड़गे जी मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बैठिए। यू कैन नॉट एवरी टाइम रन डाउन द चेयर, यू कैन नॉट एवरी टाइम शो डिसरेस्पेक्ट टू द चेयर। आप अचानक खड़े होते हैं और कुछ भी कह देते हैं, मेरी बात को समझते भी नहीं है। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, नेवर खड़गे जी इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड राज्यसभा प्रोसीडिंग्स, देयर हैज बीन सच डिसरिगार्ड ऑफ द चेयर एज फ्रॉम यू। यू आर फोर्सिंग मी एंड आई हैव सेड सो नंबर ऑफ ओकेजंस, यू टेक इट इन अ मैनर विच इज रॉन्ग। टाइम फॉर यू टू रिफ्लेक्ट ना प्लीज। मेरे में बहुत पेशेंस है, बहुत सहन शक्ति है, खून की घूंट पी सकता हूं। मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है, कितना बर्दाश्त किया है, और आप फट खड़े होकर कह देते हैं, अरे आपको खड़गे जी आपको किन्ने बनाया है ये आप अपने आप जाने। मैंने एक मुद्दा उठाया छोटा, चिदंबरम जी प्लीज डोंट डू इट। मैंने जो मुद्दा उठाया, कैसे आपने ट्विस्ट किया, अंदाजा लगाइए। मेरे को भी पीड़ा होती है इतने सीर। नो अगेन देयर इज अ 24/7 फंक्शनल पर्सन। और ऐसा नहीं है खड़गे जी, इतने मौके आए हैं जब आपकी प्रतिष्ठा को कितना बड़ा धक्का पीछे से लगा है मैंने देखा है। मैंने आपकी प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश की है और आप मुझे लांछित कर रहे हैं। कल का दिन कितना भयानक था, आपने रिग्रेट एक्सप्रेस कर दी, अच्छी थी। सर ऐसा मत कीजिए, मैं सिंपल आदमी हूं, झुककर चलता हूं, जितना झुक सकता हूं झुकना चाहता हूं। कोई कहे मैं ज्यादा झुकता हूं, ठीक बात है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज प्रमोद जी कंटिन्यू, एंड आई वुड अप्रिशिएट यू कंफर्म टू फैक्ट्स, प्लीज कंटिन्यू। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बहुत ही विनम्रता के साथ कि जो समय इसमें चला गया उसका ध्यान रखिएगा। मानवर मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, चौथा विश्वासघात गंगा मैया से किया गया। मानी मैं आपसे एक विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि कहा था जब वाराणसी गए थे तो मैं ना आया हूं, ना मुझे किसी ने बुलाया है, मैं गंगा मैया ने बुलाया इसलिए मैं आया हूं। मानवर नमामि गंगे परियोजना मई 2014 में घोषित हुई। प्लीज बीच में ना बोले जी, आप बड़ी सीनियर मेंबर है, प्लीज आप बोले, आपका समय जा रहा है माननीय तिवारी, आपका समय। गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, मैंने नहीं, मोदी जी ने सिर्फ कहा। आप इधर देखें और आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही, किसी और की बात नहीं। ठीक है। मनवर नवाम गंगा परियोजना की घोषणा मई 2014 में की गई थी, उसमें 2019 का टारगेट था, 2024 चल रहा है, लेकिन इस साल के अंत तक सिर्फ 33% सीवेज ट्रीटमेंट हुआ है। पांचवां विश्वासघात, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द जमीन पर उतारना। मनवर
आज भी 18 से कई सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट में से 8 से 31 प्रोजेक्ट देरी से चल रहे, इनमें 5,17,000 करोड़ के कास्ट ओवररन हुई। छठा विश्वासघात देश की जनता के साथ कि किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी अगर मैं आ गया तो। जी, ये 2016 में कहा था कि हम 2022 में करेंगे, 6 साल बाद भी इसके बारे में बात नहीं हो रही। सच्चाई यह है कि पिछले 10 सालों में किसानों की आय वास्तव में बढ़ी नहीं बल्कि घट गई है। इनपुट ज़्यादा हो गया है और कास्ट ऑफ द जो फसल होती है उसकी कम हो गई है। मनवर, 7वां सबसे बड़ा विश्वासघात देश की जनता के साथ जब नोटबंदी हुई थी, गोवा में बोलते हुए मोदी जी ने कहा था, मित्रों मुझे सिर्फ 50 दिन दे दो, उसके बाद अगर मेरी कोई कमी रह जाए तो आप जिस चौराहे पर कहोगे मैं वहां खड़ा होकर देश जो सजा देगा उसको स्वीकार करूंगा। 50 दिन तो छोड़िए, आज 8 साल बीत गए हैं। ना नोटबंदी में जो फैसला लिया था, जो वादा था वो नहीं पूरा हुआ, न काला धन सामने आया, न भ्रष्टाचार और न आतंकवाद पे रोक लगी। सच्चाई तो ये है, काला धन जो था उसे वाइट कर दिया गया कुछ खास लोगों का। आठवां विश्वासघात जो हुआ, बुलेट ट्रेन का अहमदाबाद से मुंबई चलेगी, मनवर वो आज भी सपना है और पूरा होने नहीं जा रहा। 9वां झूठ, जिसे मैं विश्वासघात कहूँगा, सभी किसानों को पीएम किसान फंड, किसी को किसान फंड नहीं दिया गया। अभी बहुत बड़ी संख्या में एक प्लीज टेक योर सीट। उपसभापति जी, जो पीएम किसान का वायदा लैंडलेस के लिए था, जो खेत मजदूर योजना के लिए था, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, उन्हें नहीं मिली है। और 10वां सबसे बड़ा विश्वासघात देश की जनता के साथ, 10 साल में आर्थिक अपराधी जो देश छोड़ के भाग गए हैं उनको ले आएंगे। मनवर, आज की तारीख में क्या ये हो पाया? आज भी मोदी जी वहीं हैं, मैं दूसरे मोदी का जिक्र कर रहा हूँ, ललित मोदी का। मनवर, क्या जो लोग गए थे तीनों चारों भाग के कोई उसमें से लौटा? मैं आपसे विनम्रता पूर्वक के कहना चाहता हूं कि इस पूरे राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है और ना कोई इरादा दर्शाया गया है। मानवर, मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस बार का प्रचार, जिसका जिक्र मुझसे पहले बोलने वाले हमारे आदर्श राजनेता कर रहे थे, मैं उसकी बात करना चाहता हूं। मानवर, कि ये कहा गया था और बहुत ही साफ कहा गया था कि हम जो घोटालेबाज हैं उनको लेके आएंगे, प्रोसिक्यूट करेंगे, परंतु नहीं हुआ। हाँ, एक राज जरूर खुल गया और बहुत से घोटाले हुए, बहुत से आरोप लगे, माल कहीं नहीं बरामद हुआ। पहली बार सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे जो कहा था वो कर दिखाया और 7,000 करोड़ माल बरामद हुआ। और जो बरामद हुआ इस पर काम दो, धंधा दो, चंदा लो, एक चीज। दूसरी, इसमें ईडी सीबीआई की जांच जिन पे चल रही थी उनका स्लो डाउन हुआ। तीसरा सबसे बड़ा बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देश की आज़ादी के बाद ये 7,000 करोड़ का घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है जिसमें माल बरामद हुआ है भाजपा के अकाउंट में, और मैं अथेंटिकेट कर दूंगा। मानवर, इसमें एक वो भी है जो हमारी आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ हुआ है, देश की 140 करोड़ जनता के साथ खिलवाड़ हुआ है। 52 करोड़ लिया गया था इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में, जिस कंपनी से, नाम लूंगा तो फिर कहेंगे, पूना की कंपनी थी, उसको मना किया था राहुल गांधी जी ने, तमाम नेताओं ने मना किया था कि इसको वैक्सीन बनाने, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में ये सर्टिफाई नहीं हुई है कि किसी तरीके से इस पे सुरक्षित है, उसको दिया गया। और एस्ट्रोजेनका ने यूके हाई कोर्ट में कबूल किया है कि
कोविड 19 वैक्सीन से थ्रम्बोसाइटोपोनिया टीटीएस सिंड्रोम हुआ है जिससे लोग मरे, देश में चलते फिरते लोग गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, बैठे हुए मर जा रहे हैं। मानवर देखना चाहिए, करने के पहले सोचना चाहिए था, ये एक जो कुछ किया गया। मानवर सब कुछ संभव कहा जाता है, मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। मानवर साधारण इंसान तो नहीं कर सकता, जो पैदा होते हैं जो रहते हैं वो तो नहीं कर सकते। ठीक कहा है मोदी जी ने, अब इसे कहेंगे तो मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। उन्होंने कहा है कि भगवान ने मुझे भेजा है और मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मानवर कोई अगर कहे कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, अगर कोई बने हुए फर्जी साधु संत कहते तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता। यहां प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, ये क्या है? मानवर बायोलॉजिकल नहीं है तो मैं आपसे कहूंगा जब वो बोले तो बताएं वो क्या है, कहां से आए, कब तक? प्लीज सीट पर बैठकर बात ना करें प्लीज। ठीक, प्रमोद जी को बोलने जी जी, और अपनी अपनी सीट पर बैठे प्लीज। हाँ हाँ, आग्रह। मानवर आप इस मानवर आप इस पीठ पर बैठे थे और मैं यहीं से बोल रहा था। मानवर आप इस पीठ पर बैठे थे और मैं यहीं से बोल रहा था। उस समय मैंने एक बात कही थी कि मैं अवध का रहने वाला हूं, अयोध्या जानता हूं, पहचानता हूं, कई बार गया हूं। मैंने कहा था अर्ध निर्मित मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, इस पर समाज पे संकट आता है। चारों शंकराचार्य इसीलिए नहीं आए। मानवर हुआ क्या कि आपने चूंकि 22 जनवरी को किया, चुनाव अप्रैल मई में होना था, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इधर बैठे हुए लोग भगवान राम के सच्चे पुजारी हैं और उधर बैठे हुए लोग भगवान राम के व्यापारी हैं, ये भगवान राम का सौदा करते हैं। तो मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, ये ऑथेंटिक है, मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। वहाँ के मुख्य पुजारी ने कहा कि मंदिर गर्भगृह में पानी टपक रहा है। मैं उसके क्वालिटी पे नहीं जाता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ अगर अर्थनिर्मित नहीं होता। अभी तो मानवर तीन चार मिनट कौन ले गया? आप तीन चार मिनट। मानवर चूंकि भगवान राम का दुरुपयोग करना था, उनके नाम का दुरुपयोग करना था, इसलिए 22 जनवरी को कर दिया गया। वरना एक साल डेढ़ साल बाद जब मंदिर पूरा हो जाता तब तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती थी, इसलिए किया गया। और इसीलिए भगवान नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, रगड़ दिया इनको अयोध्या में, जिसकी टीस नहीं जा रही इनके मन से। जहां जहां राम के कदम पड़े मानवर ये साफ हो गए। मैं तो इतने कहना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां राम भी हैं, काशी भी है, मथुरा भी है। आप 63 सीट से घटकर 33 पे पहुंच गए, अगली बार आपका अता पता नहीं चलेगा। ये भगवान राम का कोप है, सारे भगवान का कोप है। बस अभी तो मैंने शुरू कर दिया साहब, पर एक बात, एक वायदा इधर बैठे लोगों की तरफ से, इंडिया गठबंधन के सारे लोगों की तरफ से कहा गया कि रॉन्ग नैरेटिव दिया गया संविधान बदलने का। अयोध्या के एमपी ने क्या कहा था, राजस्थान में आपके कैंडिडेट ने क्या कहा था, कर्नाटक ने क्या कहा था, संविधान बदलने के लिए। मैं गवाही के साथ, नाम के साथ आपके सामने रख रहा हूं। पर इतना चुनौती देता हूं अपनी तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, अब आपकी ना हैसियत रही ना हिम्मत रही कि आप संविधान बदल दें, और आप संविधान बदल नहीं पाएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इस पर हम कृत संकल्प हैं। और एक बात, हमसे ठीक पहले जो स्पीकर बोले थे, जब वो बोल रहे थे तो मुझे यही नहीं लग रहा था कि इधर से बोल रहे हैं कि उधर से बोल रहे हैं। मानवर बहुत सा है, राजनीति में स्वच्छता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। हमने आदर्श घोटाले में बहुत सहा है मानवर। जो वो लोग बोल रहे थे कल तक आदर्श घोटाला, आज मेज थपथपा रहे हो। कौन सी वॉशिंग मशीन है भाई जिसके अंदर टीनो पाल डाल देते हो? इधर बैठे थे तो आदर्श घोटाला, उधर निकले जाके तो साफ सुथरे आपके नेता बन गए। एक मिनट, मैं बुलाऊंगा अगले। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे एक मिनट मांगूंगा, आप ना दें तो हम दोनों दोस्त। आप ऑलरेडी 3 मिनट ले चुके हैं। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो लोग ज्यादा बोलते हैं जो
कहीं और से आयात होते हैं, उन विचारों के साथ जो हो रहा है, जो भाजपा के लिए मरे जिए, उनको कोई नहीं पूछ रहा है, जो आपके लिए भी कह रहा हूं, आप भी गए यहीं से, माननीय श्री मोहम्मद नदीमुल हक, प्लीज मोहम्मद नदीमुल हक प्लीज।